मेरे मित्रों, परसों प्रधानमंत्री जी आए थे बक्सर में। आप में से अनेक लोग उस सभा में मौजूद रहे होंगे। मेरे मित्रों, हम इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम अपने 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 13 साल में क्या काम किया है। हम दोनों सरकारों के काम को लेकर जनता के बीच में खड़े हैं। मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल के नेता से जानना चाहता हूं, और ये वो नेता हैं जो वास्तव में लंबे समय तक केवल मंत्री नहीं थे। जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी तो वास्तविक मुख्यमंत्री वही थे, पर्दे के पीछे से वही सरकार चला रहे थे, और उनको 15 साल 90 से लेकर 2004 तक, जो आज आपके उम्मीदवार यहाँ राजद के, वो मंत्री भी थे और राबड़ी की सरकार को चलाने वाले थे। तो मैं तो उन्हीं से जानना चाहता हूँ, एक काम बता दीजिए आप। अरे, नीतीश कुमार को 13 साल मौका मिला और नरेंद्र मोदी को 5 साल मौका मिला, तो विकास क्या होता है करके दिखला दिया। और आपको जब मौका मिला तो बिहार तो छोड़ दीजिए, आपने बक्सर के लिए क्या किया, कैमूर के लिए क्या किया, एक काम बता दीजिए, एक काम। लेकिन मित्रों, इनके पास कोई काम का कोई काम नहीं इन्होंने किया। और मैं तो कहता हूँ कि आखिर आज अगर गांव-गांव बिजली पहुंची तो ये नीतीश कुमार ने पहुंचाया, आप क्यों नहीं पहुंचा पाए? आपको भी तो मौका मिला था, आप भी तो बिजली के मंत्री थे, आप भी तो सिंचाई के मंत्री थे, तब किस मुंह से यहाँ के लोगों से वोट मांगने के लिए आए हैं? मेरे मित्रों, और जब लालू जी जेल चले गए और राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन गई तो इतने वो डर गए कि पैसा ही खर्च करना बंद कर दिया। डर गए कि खर्च करेंगे तो कोई फंस नहीं जाए। तो जितने दिन सिंचाई मंत्री रहे, बिजली मंत्री, कोई पैसा खर्च नहीं किया, पैसा खजाने में पड़ा रहा ताकि जेल जाने की नौबत ना आ जाए। अरे मेरे मित्रों, ये दुर्गावती भले ही वो सासाराम लोकसभा का के अंतर्गत पड़ता है, ये जगजीवन बाबू का सपना था दुर्गावती, जगजीवन बाबू का सपना आपने पूरा नहीं किया, उनकी बेटी ने पूरा नहीं किया। 15 साल जो सिंचाई मंत्री और बिजली मंत्री थे उन्होंने पूरा नहीं किया, उस सपने को पूरा करने का काम नीतीश कुमार ने किया और आज दुर्गावती बनकर तैयार है। अब क्या लड़ना चाहते हैं? अभी ददन पहलवान जी बता रहे थे क्या क्या काम हुआ डुमराव के अंदर। चौबे जी आ रहे हैं, समय नहीं तो बताते क्या क्या काम किया है। अरे, इतना काम करने में राजद कांग्रेस के लोगों को 3 जन्म लग जाएगा तो भी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का मुकाबला नहीं कर पाओगे। और मित्रों, अभी तो 1.5 साल बाकी है, अभी तो विधानसभा का चुनाव तो 1.5 साल के बाद ना होगा, तो जितना बचा खुचा काम है लिखकर ददन जी को दे दीजिएगा। और आपको विश्वास दिलाते, एक काम नहीं बचेगा, नावानगर का, डुमराव का, जितना बचा खुचा काम है वो भी 1.5 साल में पूरा करके दिखला देंगे। मेरे मित्रों, एक बात का मैं और जिक्र करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग सवर्ण जाति के लोगों से किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? अरे भाई, दलितों को आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण मिला, और नरेंद्र मोदी पिछड़े का बेटा है, अति पिछड़ा समाज से आता है, 18 घंटा काम करता है, गरीब घर में पैदा हुआ, और जब मौका लगा तो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ, ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया, आप क्यों नहीं दे पाए? और मेरे मित्रों, ये कांग्रेस के लोग ये ऊंची जाति का वोट लेकर 45 साल देश में राज किया, लेकिन कभी उन्होंने सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, अति पिछड़े का बेटा, जिसने ऊंची जाति के भी गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया। अब इतना सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब लोकसभा में सवर्ण आरक्षण का बिल आया, केवल राष्ट्रीय जनता दल अकेली पार्टी है जिसने सवर्ण आरक्षण का केवल विरोध नहीं किया,
बल्कि खिलाफ में मतदान किया। ये लोग कहते रह गए नहीं गलतफहमी है, लेकिन मित्रों रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, जो दो चार सांसद थे राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने सवर्ण आरक्षण के विरोध में वोट देने का काम किया। मेरे मित्रों, क्या ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देना गलत है? अरे जब नरेंद्र मोदी ने दलित और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बिना छेड़छाड़ किए अगर उन्होंने आरक्षण दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आपकी आपत्ति क्या है? इसे मेरे नावानगर के बहनों और भाइयों, ये आज़ादी के बाद का पहला चुनाव है जिस चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई मुद्दा होता तो विरोधी दल के रोज हर भाषण में महंगाई का जिक्र करते, आप विरोधियों के भाषण में कहीं महंगाई को नहीं सुनिएगा। भ्रष्टाचार पहले की तुलना में कम हुआ है, काले धन पर कड़ा प्रहार हुआ है और आज देश की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जो लोग कहते हैं कि आप सुरक्षा को मुद्दा क्यों बना रहे हैं, अरे को मुखिया का चुनाव है, अरे मुखिया के चुनाव में पाकिस्तान और चीन की चर्चा नहीं होगी, बिहार के चुनाव में नहीं होगी, क्योंकि बिहार की सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी देश की सुरक्षा है। और इसलिए और आज अगर कोई देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है। वो गरीब का बेटा अगर गरीब के घर में शौचालय बनाना जानता है, तो वो गरीब का बेटा पाकिस्तान से टकराना भी जानता है। तो मेरे मित्रों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूँ कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको दोबारा मौका दीजिए, और जिन लोगों ने 15 साल बिहार को लूटने का काम किया उनको कोल्ड स्टोरेज में बैठा दीजिए, ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। और अगर नरेंद्र मोदी ने, नीतीश कुमार ने अगर अच्छा काम किया है, अगर विकास का काम किया है, तो क्या काम करने वाले को वोट नहीं मिलेगा? क्या लोग काम करने वालों को वोट नहीं देंगे? केवल मजाक करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, बिहार को बर्बाद करने वाले लोगों को जात के नाम पर वोट मिलेगा? से नावानगर के मेरे बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार, तो आइए मेरे साथ नारा लगाइए, मैं कहूँगा फिर एक बार, आप कहेंगे मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, मैं एक लाइन कहूँगा उसके अंत में आप कहेंगे मोदी सरकार, ईमानदार सरकार, मोदी सरकार, 18 घंटे काम करने वाली सरकार, मोदी सरकार, गरीबों के घर में शौचालय बनाने वाली सरकार, मोदी सरकार, गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाली सरकार, मोदी सरकार, और मित्रों आतंकियों के घर में घुसकर मारने वाली सरकार, मोदी सरकार। आइए मेरे मित्रों, 19 तारीख को कमल के बगल के बटन दबाइए और देखिए डुमराव में जब कमल के बटन दबाइएगा तो 3 फायदा होगा। आपको अश्विनी चौबे मिलेगा सांसद, आपको मंत्री मिलेगा अश्विनी चौबे, और आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मिलेगा। तो आइए कमल के बगल के बटन दबाइए, अश्विनी चौबे जी को जिताइए और नरेंद्र मोदी को फिर से 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री जी को नवानगर की धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष